प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि कर्नाटका में पाकिस्तान जिंदाबाद तो बोल सकते हैं पर हनुमान चालीसा नहीं चला सकते। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे भारत के मशहूर पत्रकार अंजू पंकज जी और उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील दबंग नाजिया इलाही खान जी का दमदार इंटरव्यू। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग लेटेस्ट और मजेदार वीडियोस ला सके। जय हिंद जय भारत। की आस्था को ठेस पहुंचाने की तुमने अपने ऊपर अथॉरिटी ले ली है तो आपकी आस्था पर भी क्रिटिसिज्म अब स्टार्ट होगा, आपकी आस्था पर भी सवालिया निशान अब स्टार्ट होगा, आपकी आस्था को भी अब क्रिटिसिज्म के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। और जिस तरह से ज्ञानवापी मंदिर के विपक्ष में और ज्ञानवापी को मस्जिद बनाने के लिए हिंदू सनातनी वकील खड़े होते हैं, उसी तरीके से इस्लाम को क्रिटिसिज्म के कटघरे में खड़ा करने के लिए नाजिया इलाही खान जैसी मुसलमान वकील भी खड़ी हो सकती है। नाजिया जी, ये तो आपने बहुत बड़ी बात कही, लेकिन एक चीज और समझाइए कि आप देखो ना, लाउड स्पीकर्स पर अजान पढ़ी जाती है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस भी हैं, लेकिन फिर भी कितना बवाल होता है। महाराष्ट्र में हुआ, अब कम से कम आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में कितनी मस्जिदों के लाउड स्पीकर उतारे गए थे, तो लाउड स्पीकर की तो कोई जगह मेरे ख्याल से होगी भी नहीं अल कुरान में, क्योंकि वो तो नए वक्त का इजाद है। अब लाउड स्पीकर आए हैं, पहले भी तो पढ़ी जाती होंगी इस तरह से अजान, या नहीं, क्या था उस वक्त? देखिए, अल कुरान के हिसाब से तो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो गारे हिरा में नमाज पढ़ा करते थे छुप कर, मतलब इबादत की जगह बहुत सुकून और शांति की होनी चाहिए और पाक होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, वो गारे हिरा में जाकर के पढ़ते थे। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में तो लाउड स्पीकर इजाद तो नहीं हुआ था। लेकिन बात ऐसी है कि भारत के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमान तो उम्मत रसूल नहीं है, पैगाम रसूल नहीं है, वो तो पैगाम मुगल है। अब देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, 1965 में पहली बार औरंगजेब ने भारत से दिवाली और होली को बैन करवा दिया। 1966 में यमुना के घाटों पर हिंदुओं का दह संस्कार 1665 में पहली बार औरंगजेब ने होली और दिवाली बैन करवाया। 1666 में यमुना के घाटों पर दह संस्कार और अंतिम संस्कार बंद करवाया। उसके बाद फिर 1666 में केशव मंदिर के सभी दीवारों को तोड़ने का औरंगजेब ने ऐलान फरमाया और बजाबते कहा कि 7 दिन के अंदर सारी दीवारें टूट जानी चाहिए। 1669 में औरंगजेब ने सभी मंदिरों और पाठशालाओं को बंद करने का फरमान दिया और कहा कि सिर्फ मात्र 3 महीने का समय है, सारे पाठशाले और सारे मंदिरें बंद हो जानी चाहिए। 1670 में औरंगजेब ने मथुरा के मंदिर को तोड़ा और सारे देवी देवताओं को आग से जलाया, सारे हीरा जवाहरात उसने चोरी कर लिए और आग लगवाने के बाद भी मथुरा के मंदिर में जो छोटी बड़ी जो मूर्तियां बच गई थी उसको बेगम साहेब मस्जिद के चौखट पर और सीढ़ियों पर दफनाया ताकि आने जाने वाले नमाजी के पैर पड़ सके, और फिर उस सीढ़ियों पर दफन आज भी हम उसको झेल रहे हैं और हमारे मेरे जैसे सनातनी मुसलमान को बुरा लग रहा है। और इसी का नतीजा है कि ज्ञानवापी को एक मस्जिद बनाने के लिए मुसलमान अब भी अटल है, और इसी का नतीजा है कि हर बार ASI में यह सर्वे रिपोर्ट आ जाता है कि नहीं, वो मंदिर थे, वो मस्जिद नहीं थी। तो अब आप सोचिए कि ये जो मैंने आपको इतने लाइन से मैंने बुलेट पॉइंट दिए हैं, इससे क्या साबित होता है कि एक तरफ अल कुरान ये कह रहा है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिंद की हवा बहुत अच्छी लगती थी, हिंद से हवा के साथ आने वाली खुशबू उनको बहुत मुतासर करती थी, उनको खुश करती थी, और एक तरफ मुगल कह रहा है होली बंद करो, दिवाली बंद करो, मंदिरों को तोड़ो, पाठशालाओं को तोड़ो, गुरुकुल को तोड़ो, तो किसका ये भारत का मुसलमान किसको मान रहा है? प्रॉफिट मोहम्मद को मान रहा है? नहीं मान रहा है। भारत का मुसलमान मुगल को मान रहा है, औरंगजेब को मान रहा है और इब्राहिमा को मान रहा है। इब्राहिमा को कैसे मान रहा है? क्योंकि अल कुरान इस बात की पुष्टिकरण कर रहा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुतों को तोड़ रहे थे, तो इसका मतलब है कि सनातन था उस वक्त, और ये झूठ बोलते हैं कि सनातन तो बाद में आया। तो अगर बाद में आया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहां से बुतों को तोड़ने लगे, कैसे बुतों को तोड़ने लगे, और उस वक्त बुत बने ही क्यों? इसका मतलब है
कि ये इब्राहिमा के फॉलोअर है, इसका मतलब है कि भारत के मुसलमान मुगलों के फॉलोअर है। हमारे प्यारे नबी, हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत नहीं है ये, तो इसलिए इनको कानूनी तरीके से ईंट का जवाब पत्थर से देने की जरूरत आन पड़ी है। और हम जैसे वकीलों को इनके इनके मुगले आजम और थरके आजम की फौजों को कटघरे पर खड़ा करके क्रिटिसाइज करने की जरूरत आन पड़ी। पर नाजिर जी आप देखो ना, जो इन लोगों को भड़काते हैं, तौकीर रजा खान टाइप लोग, जो ये हल्द्वानी को लेकर इतना चिंतित था, किस तरह की बयानबाजी कर रहा था, फिर आप ये देखो कि वो जो व्यास जी के तहखाने में जब पूजा अर्चना शुरू हुई ज्ञानवापी में, तो कितना बवाल काटा था, जेल भरो कर रहा था, और आज की तारीख में फरार हो गया है। जब से वो बरेली वाले दंगों में उसका नाम आया कि वो मास्टरमाइंड था, भागा भागा फिर रहा है। उस दिन कह रहा था जेल में डालो, अब पुलिस कह रही कि आओ तुमको जेल में ले चले, तो भाग गया। देखिए मुझे तो हंसी आती है लोगों की हालत पे, इन लोगों की हालत पे मुझे हंसी आती है। इन लोगों का जैसे ही इनकी जितनी भी जंगजू एक्टिविटीज है, क्रिमिनल एक्टिविटीज है, जिहादी एक्टिविटीज है, आतंकी एक्टिविटीज है, और अल्लाह के स्लीपर सेल होने की एक्टिविटीज है, अल्लाह की उम्मत और अल्लाह का बंदा होने की नहीं, अशरफुल मखलूकात होने की नहीं, अल्लाह का स्लीपर सेल होने की एक्टिविटीज है, ऑरा और प्रेजेंटेशन जो हाफिज सईद के चट्टे बट्टू जैसा इनका जैसे ही साबित हो जाता है, ये भागना स्टार्ट करते हैं, ये मुंह छुपाना स्टार्ट करते हैं, ये कभी भी सामने से जवाब देना नहीं, इनकी हिम्मत ही नहीं है, इनकी हिम्मत ही नहीं है। मैंने तो हजारों लाखों बार इनका पर्दा उठाया है, इनका हिजाब उठाया है, और यही वजह है कि भारत के जितने भी ये दाढ़ी टोपी वाले हैं, ये मुझसे बहुत चिढ़ते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये सब कुछ पढ़ के आई है, ये सारा रिसर्च करके आई है, तो इसको जवाब देने में मेरे को बहुत तकलीफ होगी। ये लोग तो डेस्क कोऑर्डिनेटर को नेशनल न्यूज में बोलते हैं कि वो आएगी तो मेरे को मत बुलाना, क्योंकि उसको पता नहीं होता है कि ये कौन सा सवाल मार देगी मेरे मुंह पे जो हम जवाब दे नहीं पाएंगे। तो देखिए बात ऐसी है कि जब गीदड़ की मौत आती है ना, तो वो शहर की तरफ दौड़ता है। हमने बचपन से ये कहावत सुनी थी, मुसलमान जो ऐठे हुए हैं ना और उनको ऐसा लगता है कि वही सबसे बड़े बिलीवर है अपने मजहब के, तो अब जिस तरीके से हम जैसे लोग मैदान में उतर करके इनके चेहरे का हिजाब उठा रहे हैं, ये बिल्कुल गीदड़ की तरह भाग रहे हैं और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जेल की सलाखों से। अब आप देख लो ना, सीएए पर शाहीन बाग सज नहीं रहा है, पाक सर्कस मैदान, और वो भी छाती पीट रहा है। हवेसी को पीटने दीजिए ना, उसको पीटने दीजिए। देखिए मैं आपको बहुत तबीयत से बताती हूँ, अवैसी को खत्म नहीं होना चाहिए, उसकी लेंगे और तबियत से लेंगे, कह कह कर लेंगे, बोल बोल कर लेंगे, उंगली उठा उठा कर लेंगे, क्रिटिसाइज कर कर के लेंगे, उसके हर एक स्पीच पर जवाब दे दे कर लेंगे। उसको खत्म तो नहीं होना चाहिए और ना ही उसकी पार्टी खत्म होनी चाहिए, क्योंकि जब तक उसकी पार्टी है अवैसी के कंधे पर चढ़ करके नाजिया इलाही खान मुसलमानों का हिजाब बड़े आराम से उतारती है, क्योंकि ऐसे मुसलमान हैं जो उसको फॉलो जरूर करते हैं, उसको उसकी हिम्मत जरूर बढ़ाते हैं, पर फ्रंट में आकर बोलते नहीं है। तो अवैसी जब बोलता है तो अवैसी की शेरवानी के साथ साथ ऐसे ऐसे लफंदर मुसलमानों का हिजाब उतारने में नाजिया को बड़ा मजा आता है। तो अवैसी की पार्टी भी खत्म नहीं होनी चाहिए और अवैसी भी खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाजिया ने ठाना है कि भैया अवैसी लेंगे तुम्हारी और कह कर लेंगे, और वही नाजिया करती भी है। तो मुझे लगता है कि तौकीर को भागने दीजिए, पुलिस और कानून बड़ी लंबी लंबी हाथ होती है, हम पकड़ ही लेंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, लेकिन अब देखना ये होगा कि ये जो बेंगलुरु में हुआ है, इसके आगे क्या होता है, क्या सच में सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में कोई सुओ मोटो लेता है, कोई एक्शन के बारे में सोचता है, या ये मामला भी बाकी मामलों की तरफ। जी मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर दिया आपको, आई एम सो सॉरी, मुझे ऐसा लगता है कि अब तक सुओ मोटो एक्शन ले लेना चाहिए था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मस्जिद वस्जिद के मामले में मस्जिद के पक्ष पर से जो जाते हैं, तो वो तो रात रात भर पढ़ करके पिटिशन को वो तुरंत फोन करवाते हैं रजिस्ट्रार से। तो जब भजन कीर्तन की बात आई है और उसको बंद करवाया गया है, धमकाया गया है, जान का खतरा है बेचारे छोटे से कारोबारी आदमी को, तो मुझे लगता है सुओ मोटो एक्शन तो ले लेना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को। पर मुझे लगता है कि लॉ ऑलवेज टेक इट्स ओन कोर्स, जो करेंगे सर्वोच्च न्यायपालिका है और हमें सम्मान, हमारे सर मत्थे हैं, हम अपने माथे पर चढ़ा कर रखते हैं, और हमारी गुजारिश रहेगी कि सुओ मोटो एक्शन लिया जाए, ऐसा ना हो कि कहीं
सरतन से जुदा हो जाए और उसके बाद फिर एहसास होकर सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए, तो इंतजार करेंगे। बिल्कुल इंतजार करते हैं, देखते हैं कि इस घटना पर सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है। लेकिन आपने इस मामले पर जो विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी है नाजिया जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे लिए समय निकाला, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम और जय श्री राम। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, वालेकुम अस्सलाम, रहमतुल्लाह अलैहि वबरकातहू, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जहां पे नाजिया खान जी ने ना सिर्फ मजहब के ठेकेदार बल्कि ओवैसी के जो चमचे हैं यानी कि शांति दूत उनको भी उधेड़ा और खासकर आस्था पे जो हमला करते हैं उनको भी आड़े हाथों लिया। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।